अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पॉम्पलेट फ़िश करी, यानी पापलेट की फ़िश करी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो के लगभग पॉम्पलेट फ़िश ली है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हमें आधा से 1 घंटे के लिए रख देना है। तो देखिए आधा से 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो चलिए मसाला बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 वाटी खोपरा ले लिया है और 3 लाल लाल टमाटर ले लिए हैं, 1 मुट्ठी धनिया पत्ती ले ली है और 2 डंठल मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिए हैं। इसे हम बारीक बारीक सा चॉप कर देंगे मिक्सर की ब्लेंडिंग जार में। और इन सब का एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। 2 से 3 लहसुन की कली को बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है और इसे हमें फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अब ये फ्राई हो चुकी हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिएगा। गैस के फ्लेम को लो कर मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है तो हमने जो पेस्ट तैयार करी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसमें से जो कच्चे मसाले की स्मेल होती है वो चले जाएं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। तो 1 डंठल मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम मसाले में ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद में हम इसे ढक्कन ढक कर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले में जो कच्ची स्मेल होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। हमें मच्छी के सालन में हमेशा मसाले को अच्छी तरह से कुक करना होता है, क्योंकि मच्छी को हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प 1/2 कप। आप चाहे तो इसमें खटाई या फिर कोकम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश। तो हमने मसाले में पूरी फ़िश ऐड कर दी है, यानी मछलियों को ऐड कर दिया है। मछलियों को हमें ज़्यादा देर हिलाना नहीं है, यानी चम्मच नहीं चलाना है, बस इस तरह से आपको सेट कर लेना है। ज़्यादा चम्मच चलाने से मछलियाँ टूट सकती है। तो देखिए इसमें एक उबाल आने लग गया है। तो अब इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी। आप जितना थिकनेस रखना चाहे या फिर जितना पतला सालन रखना चाहे आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और इसे भी हमें 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है ढक्कन ढक कर। तो अब हमारी लाजवाब फ़िश कड़ी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और ये फ़िश कड़ी आप चावल रोटी के साथ में सर्व करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है।
आप ज़्यादातर इसे चावलों के साथ में ही सर्व करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन बेल को, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो व्यूवर्स, रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।